हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं बिल्कुल ही नया कस्टम रोम एंड देखेंगे कि इसके न्यू अपडेट में कौन कौन सा चेंजेस देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, इस रोम का नाम है फ्लूइड ओएस 2.7 सोहो एंड इसका न्यू ऑफिशियल अपडेट आ गया है जो कि है हमारे रेडमी नोट 5 प्रो के लिए। इंस्टॉलेशन की प्रोसेस मैंने पहले बहुत सारे वीडियोज़ में बता दिया है, तो पूरा देखने के बाद ही इंस्टॉलेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करना। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूंगा या फिर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके चेक कर सकते हो। ये कस्टम रोम बहुत सारे डिफरेंट फोन्स के लिए अवेलेबल है, आप इसके वेबसाइट पर फ़ोन लिस्ट चेक कर सकते हो। सो दोस्तों, फ़ोन से याद आया, मुझे अपना ये फ़ोन सेल करना था और एक नया स्मार्टफोन लेना है, तभी ये वेबसाइट के बारे में मुझे पता चला। इस वेबसाइट का नाम है sellmojo.in। ये वेबसाइट एक सेल फोन सेल करने का प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने ओल्ड फोन को बेस्ट प्राइस में सेल कर सकते हैं। आपको तो पता ही है, आजकल डेली न्यू फोन्स लॉन्च हो रहे हैं मार्केट में एंड लोग अपने पुराने फ़ोन को अपग्रेड करना चाहते हैं ओल्ड फोन सेल करके। बट फोन सेल करने के लिए सही बायर्स नहीं मिलते हैं जो हमें अपने फ़ोन का बेस्ट प्राइस दे सके। बट सेलमोजो आपको बेस्ट बायर ऑफर्स प्रोवाइड करता है जो आपके फ़ोन का वैल्यूएबल प्राइस दे सकें। बस आपको इनके वेबसाइट पर जाना है, अपना फ़ोन ब्रांड सेलेक्ट करना है, ब्रांड सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने फ़ोन का वैलिड IMEI नंबर प्रोवाइड करना है। उसके बाद अगर आपके पास ब्रांड बॉक्स, चार्जिंग केबल, चार्जिंग अडेप्टर है तो वो भी ऐड कर देना है। ऐड करते ही सेलमोजो आपको बेस्ट प्राइस बताता है अपने फ़ोन का। नेक्स्ट, आपको अपना पर्सनल डिटेल्स दे देना है। ये लास्ट स्टेप होते ही आपकी रिक्वेस्ट जाती है सेलमोजो को एंड उनका एजेंट घर पर आके आपका फ़ोन को चेक करता है एंड इंस्टेंटली आपको अपने फ़ोन का वैल्यूएबल प्राइस देकर भी जाता है। सो हम घर बैठे अपना ओल्ड फ़ोन सेल कर सकते हैं sellmojo.in पर। मैंने इनकी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ गो एंड चेक आउट दिस ऑसम वेबसाइट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट थी कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले फ्लूइड ओएस का कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है आपको। इसमें हमें एंड्रॉयड वर्जन देखने मिल जाता है जो कि है एंड्रॉयड 2LL। नेक्स्ट, सिक्योरिटी पैच जुलाई 2022 का देखने मिल जाता है एंड ये लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है जो आपको देखने मिलता है इसमें। और इसमें आपको 4.4.302 नेक्सस का कर्नल देखने मिल जाता है। अब मेन सेटिंग की बात की जाए तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है आपको, थोड़ा सा अलग है नॉर्मल ओएस के इंटरफेस से। सो यहाँ पहले आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, उसके अंदर आपका वाईफाई एंड हॉटस्पॉट देखने को मिल जाता है और दोनों ही बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। उसके बाद आपको कनेक्टेड डिवाइस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपका ब्लूटूथ एंड कनेक्शन प्रीफरेंस में आपका कार्स फीचर अच्छे से वर्क करता है। नेक्स्ट, फ्लूइड कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें आपको बहुत सारी सेटिंग्स एंड कस्टमाइजेशन फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है वो है डार्क थीम। डार्क थीम का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है और ये अच्छे से वर्क करता है। नेक्स्ट आपको देखने मिलता है मॉनिटर सेटिंग एंड थीम सेटिंग। बट मॉनिटर सेटिंग एंड थीम सेटिंग क्लिक करने पर ये ओपन नहीं होती है, शायद ये बग हो सकता है। बहुत बार ट्राई कर लिया मैंने बट ये ओपन ही नहीं होता है, शायद ये नेक्स्ट अपडेट में फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपको स्टेटस बार का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट, क्विक सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ऐसे ही आपको सिस्टम ट्विक्स एंड मिसलेनियस का ऑप्शन देखने को मिलता है। कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिलता है इन दोनों ऑप्शंस में। नेक्स्ट, ऐप्स के अंदर आपको यहाँ फ्लूइड लॉन्चर देखने को मिल जाता है। ऐप्स के अंदर सभी कस्टम रोम में गेम डैशबोर्ड का ऑप्शन भी होता है बट इसमें गेम डैशबोर्ड का ऑप्शन नहीं दिया गया है। नेक्स्ट, नोटिफिकेशन में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है।
बैटरी में हमें कोई न्यू चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। स्टोरेज की बात की जाए तो ये इंस्टॉलेशन के लिए बहुत ही कम स्पेस लेता है। नेक्स्ट, साउंड में भी आपको कोई चेंजेस देखने नहीं मिलता है, आपका पूरा सेटिंग सेम देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट, डिस्प्ले में आपको कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, डार्क थीम, ब्राइटनेस एंड नाइट लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हो कि डार्क थीम भी बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। बाकी यहाँ हमारा वॉलपेपर एंड स्टाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें आपको वॉलपेपर कलर्स में एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है, बट बाकी के सभी कस्टम रूम्स में 4 डिफरेंट वॉलपेपर कलर्स देखने को मिल जाते हैं। शायद बाकी के वॉलपेपर कलर्स एनेबल नहीं है इसमें। बाकी इसमें सब बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, सभी वॉलपेपर्स एंड थीम अच्छे से अप्लाई हो जाते हैं। नेक्स्ट, सिक्योरिटी में फर्स्ट तो आपको ऐप लॉक देखने को नहीं मिलता है, पैटर्न एंड फिंगरप्रिंट लॉक अच्छे से वर्क करता है। आप देख सकते हो कि फिंगरप्रिंट सही से काम कर रहा है, बस एनिमेशन नहीं होता तो और भी फास्ट हो जाता अनलॉकिंग प्रोसेस। बाकी इसमें आपको फेस अनलॉक एंड ऐप लॉक देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट, आपका यहाँ डिजिटल वेलबिंग भी अच्छे से काम करता है। एंड लास्ट में आपको सिस्टम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें आपको लाइव ट्रांसलेट, लैंग्वेज एंड बैकअप एंड रीसेट ऑप्शन देखने को मिल जाता है। स्टेटस बार में आपको कोई लैग देखने को नहीं मिलता है, बट एनिमेशन की वजह से थोड़ा स्लो फील होता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी प्रॉपरली वर्क करता है, कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। कॉलिंग भी अच्छे से काम कर रहा है एंड कॉल रिकॉर्डिंग भी प्रॉपर वर्क करता है। ऐप्स ओपनिंग के मामले में ये ओएस स्लो है, थोड़ा लैगी फील होता है, बहुत ही स्लो ओपन होता है सब ऐप्स इसमें। होप सो नेक्स्ट अपडेट में ये फिक्स हो जाए। ओवरऑल ये रोम में ज़्यादा मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, ऐप ओपनिंग स्लो फील होती है एंड कस्टमाइजेशन ऑप्शंस इतने देखने नहीं मिलते हैं। सो इस कस्टम रोम से थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ। मैं होप करता हूँ कि इसके नेक्स्ट अपडेट में थोड़ा अच्छा फीचर्स ऐड हो जाए। अभी के लिए ये कस्टम रोम रिकमेंड नहीं करता हूँ आपको। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट करके बता देना। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड इफ़ यू अप्रिशिएट माई वर्क प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।